क्या पढ़ रहे थे हम? टीवीएस पढ़ रहे थे, ईसीजी पढ़ रहे थे, कार्डियक आउटपुट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कार्डियक आउटपुट पढ़ रहे थे। चलो बताओ तो सही, क्या होता है कार्डियक आउटपुट? डिफाइन इट। अच्छा नहीं लगा, तुम बताओ। ये हार्ट से रिलेटेड है, ये तो मान पक्का पता है क्या होता है हार्ट का आउटपुट, उसको तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ बताओ। वो चीज तो करो यार, नहीं बटे रहो कोई दिक्कत नहीं। हाँ एज्यूम वट एवर पॉस्चर इज कम्फर्टेबल टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉस्चर का मतलब समझते हो? पॉस्चर का मतलब समझते हो? तो कौन बताएगा कार्डियक आउटपुट की क्या बिट? अरे आ जाओ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, क्योंकि हम उसको मेजर करने जा रहे हैं। दोनों वेंट्रिकल का एक का तो बोलना पड़ता है। तो कार्डियक आउटपुट इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट ड्यूरेशन, 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है, चाहे राइट साइड का ले ले चाहे लेफ्ट साइड का ले ले, दोनों को जोड़ के नहीं लेते, ठीक है, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। आउटपुट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल गोज इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, आउटपुट ऑफ द राइट वेंट्रिकल गोज इन टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, दोनों का अलग अलग जा रहा है पर अमाउंट बराबर ही होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर। द अल्टीमेट सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजन टू द टिश्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प बाय द हार्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कार्डियक आउटपुट वी हैव ऑलरेडी सीन, तो किस किस ऑर्गन में 1 मिनट में कितना कितना ब्लड जाता है वो जरूरी है। इसको नापने के बहुत से तरीके हैं, कुछ पुराने तरीके हैं, कुछ नए हैं और कुछ बिल्कुल नए हैं। जो मैं प्रोसीजर्स ये बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं नापने के, उनमें ज़्यादातर आप काम में नहीं आते, मगर उनके प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है थ्योरी के अंदर क्वेश्चन के रूप में, इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी है। मगर जो हम एक्चुअली आज की तारीख में काम में लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो भी हम बताएंगे वो क्या तरीका है। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कार्डियक आउटपुट एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन द सिंपल प्रिंसिपल दैट वी कॉल इट अ फिक्स प्रिंसिपल। फिक्स प्रिंसिपल सबने पढ़ा हुआ होगा, मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फिक्स प्रिंसिपल नहीं पढ़ा? नहीं, हमने तो 11th में ही पढ़ लिया था हमारे जमाने में यार। यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, फिक्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब अगर कोई वॉल्यूम है तो अगर उसमें से गड़त बड़त नहीं होती, मास कॉन्स्टेंट रहता है। आ जाओ, उसका सिंपल एग्जाम्पल है दैट इफ योर बॉडी यूजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, then that amount of oxygen must be supplied by a certain amount of blood flowing through that organ in a particular duration of time. अगर उसमें से कहीं इधर इधर उधर छीजत नहीं होती तो वो फिक्स रहता है अमाउंट, जो वो बदलता नहीं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें हम देखते हैं अपटेक ऑफ ए सब्सटेंस बाय टिश्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू एंड देयर आर्टेरियो वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि इफ ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दी पर्टिकुलर ऑर्गन, इफ आर्टीरियल और आर्टीरियल ब्लड कैरीज सर्टेन अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, वीनस ब्लड ब्रिंग्स बैक सर्टेन अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, द डिफरेंस हैज बीन यूज्ड बाय द टिश्यू एंड इफ वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन यूज्ड बाय द टिश्यू सेपरेटली देन वी विल नो हाउ मच ब्लड इज रिक्वायर्ड टू फ्लो दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? कितना ब्लड जा रहा है, कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना वापस आ रहा है और कितना यूज हो रहा है, उससे हम पता लगा कितना ब्लड फ्लो हुआ उस एरिया से, दैट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ द फ्लो।
So the most important you can determine is cardiac output. CO is not carbon monoxide, it is cardiac output. Oxygen consumption by the body per minute. एक मिनट में बॉडी कितना ऑक्सीजन यूज कर रही है ये अगर हमें पता है या पता कर सकते हैं. एंड द आर्टेरियो वीनस डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें पता है, आर्टेरियल ब्लड सैंपल ले ले, वीनस ब्लड सैंपल ले ले, डिफरेंस निकाल लें, तो जो ऑक्सीजन यूज हो रही है बॉडी में कितने ब्लड द्वारा सप्लाई की गई है हमें पता लग जाएगा कि कितनी जा रही है और कितनी वापस आ रही है हमें पता है. ठीक है ना, दैट इज द वे टू डिटरमाइन, दैट इज द फिक्स्ड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. So normally we have seen, you know already, that 100 milliliters of the arterial blood carries 20 volume percent of the oxygen. That is normal oxygen carrying capacity of the blood. पता है ना ये? उसमें ज़्यादातर जो आ रहा है आपका हीमोग्लोबिन के साथ लिंक जा रहा है और बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो फिजिकली डिसॉल्व फॉर्म में जा रही है. In two form the oxygen is transported in the blood. So 20 volume percent or 20 milliliter we can say. Oxygen is being carried by the arterial blood to the tissue, while the venous blood which drains from that particular area carries about 15 volume percent of the oxygen. 15 volume percent or 15 milliliter of the oxygen. So 20 cc oxygen जा रही है, 15 cc oxygen वापस आ रही है. इसका मतलब हर flow के साथ में हर 100 milliliter blood जो है 5 milliliter oxygen वहाँ छोड़ देता है. 5 milliliter of blood is being sorry oxygen is left by the blood each time it is flowing. So that is the arteriovenous oxygen difference of the oxygen. 20 minus 15, 5 milliliter. Now if by the spirometer, spirometer का नाम सुना है? ए तुम यार किल मिला के इतने तो बैठे हो, मैं इस ग्रुप को बाहर निकाल लूंगा तो बचेगा क्या क्लास के अंदर? हैं ये तो सोचो. मैं निकाल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम जस्ट टर्निंग अबाउट. तो इस बाय यूजिंग द स्पायरोमीटर और बेनेडिक्ट रॉस एपरेटस होता है जिससे हम ऑक्सीजन कंजम्पशन निकाल सकते हैं. वी डिटरमाइन द ऑक्सीजन कंजम्पशन पर मिनट ऑफ द बॉडी, देन वी कैन नो कि 100 मिलीलीटर में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर होती है, तो 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन कितना ब्लड डिलीवर करेगा एक मिनट के अंदर. यू फॉलो माई पॉइंट? 5 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड बाय 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन द टिश्यूज. So if the body uses 250 milliliters of the oxygen, then how much blood is required to carry that oxygen to the tissue? That will be the cardiac output. So normally 250 milliliters at resting conditions, the oxygen uses by the body is 250 milliliters per minute. So you can determine the cardiac output 250 into 100 by 5,000 milliliters in per minute. That is the normal cardiac output is 5 liters per minute. That is one way of determining by using the oxygen. इसमें फर्क पड़ता है. You need to know three parameters for this determination: arterial oxygen content, venous oxygen content, and the oxygen utilized by the tissue in the body. Now, for calculating or knowing, you have to obtain arterial blood sample. आर्टेरियल ब्लड के सैंपल लेने पड़ेंगे आपको, जो किसी भी आर्टरी से लिए जा सकते हैं. एनी पेरिफेरल आर्टरी विल हैव द सेम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. ओके, सो आर्टेरियल ब्लड सैंपल्स आर टू बी ड्रॉन एंड दे आर टू बी स्टोर्ड एंड कैरी टू बी लैब इन सच वे दैट द ऑक्सीजन डज नॉट पास आउट फ्रॉम इट. ऑक्सीजन उसमें से निकल के बाहर नहीं चले जाए, इस तरह से उसको रख के ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा पहली बार, मगर वो कोई मुश्किल काम नहीं है. द सेकेंड सैंपल यू रिक्वायर इज द वीनस ब्लड सैंपल. Samples of the venous blood to determine the amount of oxygen in the venous blood. ये कहाँ से लेंगे हम? Arteries सारी body में जहाँ भी आप लेंगे उसमें oxygen content बराबर आएगा, एक ही आएगा, वही निकल के आ रहा है heart. But from where to obtain the sample of the venous blood? That is very important. कहाँ से निकालेंगे बताइए? From where you will take out? तो जब हम blood का टेस्ट करवाने जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो यहाँ पे एंटी क्यूबिटल वेन में वो डाल देता है नीडल और यहाँ से सैंपल ले लेता है. ठीक है ना, या कुछ लोगों में यहाँ से निकाल लेते हैं, ये रिस्क के पीछे की तरफ से यहाँ पे भी निकालते हैं, मगर यहाँ से तब निकालते हैं जब आपको कैन्यूला लगानी हो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, तब यहाँ से निकालते हैं, वरना इस यूजुअल पोजिशन एंटी क्यूबिटल वेन से होती है. तो क्या यहाँ से वीनस सैंपल लें
तो क्या वो अप्रोप्रिएट होगा? यहां से ले, पैर से ले, बच्चों में, और भी नीचे से ले सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन सैंपल इन दिस इन्फेंट फ्रॉम दिस प्लेस। तो पैर से भी ले सकते हैं, तो कहाँ से लेना चाहिए? एक्सटर्नल जुगलर वेन से ले, इंटरनल जुगलर वेन से ले, या वीना केवा से ले, कौन सा होना चाहिए? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड बाई द टिश्यूज इज डिफरेंट। मसल से जो ब्लड फ्लो होके वापस आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट वीनस वेल में अलग होगा, जो यहां से वापस जा रहा है उसमें कंटेंट अलग होगा, जो ऊपर से आ रहा है उसमें कंटेंट अलग होगा, क्योंकि हर टिश्यू की मेटाबॉलिक रेट और रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो सब में जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन अलग अलग आएगी। तो वीनस ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाए? राइट एट्रियम से लेना चाहिए। डू यू थिंक राइट एट्रियम इज द अप्रोप्रिएट प्लेस फ्रॉम वेयर टू ऑब्टेन द सैंपल ऑफ द वीनस ब्लड? इज इट? तो राइट एट्रियम अल्टीमेटली रिसीव ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा, फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा एंड फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ, कोरोनरी साइनस, तीनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं राइट एट्रियम के अंदर, तो वो अप्रोप्रिएट प्लेस है मिक्स वीनस ब्लड लेने की। बोलो, सोचे तो सही, इज इट अप्रोप्रिएट प्लेस? राइट एट्रियम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ से कैथेटर डालना है, सिर्फ एडवांस इनटू द राइट एट्रियम पहुंच जाएगा वहां, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो विल इट बी द अप्रोप्रिएट प्लेस टू ऑब्टेन द वीनस ब्लड सैंपल? नो, क्योंकि राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है तीनों सोर्सेस से आ रहा है, मगर वो प्रॉपरली पूरा मिक्स नहीं होता। राइट एट्रियम डज नॉट मिक्स इज होल ब्लड कम्प्लीटली। फिर राइट वेंट्रिकल में जा सकते हैं आप, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, सरप्राइजिंगली वहां भी मिक्स नहीं होता। सो टू ऑब्टेन एन आइडियल वीनस ब्लड सैंपल इज टू एडवांस द कैथेटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जहां तक वो जा सकता है वहां से आप सैंपल ड्रॉ करिए, दैट विल बी द सैंपल ऑफ द मिक्स्ड वीनस ब्लड प्रॉपरली। तो ये दो, एंड देन ऑफ कोर्स द ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पायरोमीटर, एंड बाय यूजिंग द थ्री पैरामीटर्स वी कैन फाइंड आउट द कार्डियक आउटपुट दैट नॉर्मली रेंजेस फ्रॉम 5 to 5.5 लीटर्स पर मिनट। अब चूंकि आर्टेरियल ऑक्सीजन के सैंपल्स लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं। सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड मेथड, इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज नॉर्मल रिलेशनशिप? एनी आइडिया? व्हाट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी कोशेंट? कभी नाम सुना है? नाम सुना है? आरक्यू कितना होता है नॉर्मल? पॉइंट नाइन के आसपास होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन एक नहीं होता है, जितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है उतनी CO2 रिलीज नहीं होती, सीधी सी बात। तो बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड द मेथड बिकम स्लाइटली इजियर फॉर द डॉक्टर एंड द पेशेंट टू डिटरमाइन द कार्डियक आउटपुट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी फिक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या चाहिए इसके अंदर? वी नीड CO2 आउटपुट पर मिनट। तो आर्टेरियल वीनस ब्लड कितना CO2 ला रहा था और आर्टेरियल ब्लड में कितनी CO2 है, तो बाकी बची लंग्स में रिलीज हो गई और ब्रेथ के द्वारा बाहर आ गई। तो वी नीड टू डिटरमिन कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट पर मिनट, तो आप डगलस टेस्ट से इकट्ठा कर सकते हैं, वीनस CO2 माइनस दी आर्टेरियल CO2। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ वीनस पहले आ गया क्योंकि वीनस ब्लड में CO2 ज्यादा होती है, उल्टा हो गया ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो CO2 आउटपुट कैन बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर, ये पहला पैरामीटर आ गया ऊपर वाला, न्यूमरेटर आएगा ऊपर वाला, कितना रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। आर्टेरियल CO2 फ्रॉम द एल्वोलर एयर, एल्वोलर एयर को बाहर निकालते जाए रेस्पिरेशन करके, तो बाद में जो बचेगी लास्ट में वो एल्वोलर एयर आएगी। सबसे पहले आती है डेड स्पेस एयर, फिर उसके बाद की एयर आती है, फिर उसके बाद क्या आती है, लास्ट में एयर निकलती है वो एल्वोलर एयर होती है। एल्वोलर एयर के हम सैंपल ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, और उसमें हम CO2 डिटरमिन कर सकते हैं। एंड री ब्रीदिंग इन दी क्लोज बैग
अगर क्लोज पैक से आप CO2 बाहर नहीं निकल रही तो अल्टीमेटली इक्विबरेट कर लेगा आपके वीनस ब्लड से और वो आपका वीनस ब्लड का CO2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये तीनों पैरामीटर निकाल करके और कार्डिक आउटपुट मेजर कर सकते हैं। द थर्ड प्रोसीजर, ये सब उसी पर फिक्स प्रिंसिपल सारे के साथ, ये यूजुअली एनिमल्स में करते हैं, करते थे, अभी भी कर सकते हैं जब रिसर्च करते हैं। तो इवांस डाई डाइल्यूशन मेथड, द मेथड इज नोन एज डाई डाइल्यूशन मेथड, द डाई यूज इज इवांस ब्लू, इवांस ब्लू। देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिक्वायर्ड ऑफ ए डाई टू बी यूज एज अ मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, कुछ चीजें फुलफिल करनी चाहिए। सबसे पहले ये नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, मरीज को नुकसान नहीं पहुंच रहा, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ब्लड की कंसंट्रेशन हम आसानी से मेजर कर सकें, ऐसे होना चाहिए। ऐसा तो बहुत टीडियस प्रोसीजर हो तो मतलब नहीं है। तीसरा, ये ब्लड वेसल्स में से लीक होकर के टिश्यूज में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर लीक होकर के बाहर चलेगी तो उसका डाइल्यूशन बढ़ जाएगा और मेजरमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी यार। चौथी चीज, ये किडनी से भी आसानी से फिल्टर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ पैरामीटर्स है जो जरूरी हैं फुलफिल करने के लिए इस डाई को, इससे ये मेजर करने के लिए काम में ली जा सके। सो दैट इज दी इवांस ब्लू। अ सर्टन अमाउंट ऑफ डाई 5 मिलीग्राम इज इंजेक्टेड इंट्राविनसली, इंट्राविनसली डालेंगे इस डाई को। और दूसरी तरफ से हम सैंपल्स लेंगे, कहाँ से लेंगे, आर्टीरियल ब्लड सैंपल, नॉट वीनस ब्लड, आर्टीरियल ब्लड सैंपल विल ड्रॉ एट 2 सेकेंड इंटरवल, हर 2 सेकेंड बाद में आप आरटीएल बेड का सैंपल इकट्ठा करेंगे। डाई इंजेक्ट की अमाउंट हमें पता है, सिक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड यही डाई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, ठीक है। देन वी प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द डाई कंसंट्रेशन, हम डिटरमिन करते हैं लैब में केमिकल मेथड से, हर सेकंड में जो आ रहा 2 सेकंड में जो सैंपल लिए, वी डिटरमिन द डाई कंसंट्रेशन एंड प्लॉट ए कर्व ऑफ टाइम एंड डाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे इसका और उससे हम कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ कैसा आएगा। ये तो कैलकुलेशन है, वही कैलकुलेशन है जो पहले चल रही है। मिलीग्राम ऑफ द डाई इंजेक्टेड इनटू 60 इज द टाइम ड्यूरेशन, 60 सेकंड्स इज द टाइम ड्यूरेशन, डिवाइडेड बाय एवरेज कंसंट्रेशन विद डाई इनटू ड्यूरेशन ऑफ द कर्व इन सेकंड। ये कैसे आता है देखिए, इसमें 2 कर्व दिखा रखे हैं, एक नीले रंग का है और एक काले रंग का है। द ब्लैक कलर्ड कर्व डिनोट द नॉर्मल डाई कॉन्सेंट्रेशन इन रिलेशन टू टाइम इन अ नॉर्मल पर्सन अंडर रेस्टिंग कंडीशन, द ब्लू कर्व इज द सेम बट द पर्सन हैज डन द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के बाद में इफेक्ट ये आ रहा है डाई का और नॉर्मल कर्व ये आ रहा है। तो वी हैव ऑब्टेंड सैंपल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने कंसंट्रेशन डाई के आरटीएल ब्लड के सैंपल ले लिए। तो वी हैव ऑब्टेंड सैंपल्स ऑफ द डाई एंड वी हैव स्टार्टेड प्लॉटिंग द कर्व। नाउ व्हाट वी फाइंड इन दिस स्पेस, एट 20 सेकंड ड्यूरेशन द डाई कंसंट्रेशन, फर्स्ट इट वाज ग्रेजुअली राइजिंग इन द आरटीएल ब्लड, देन इट प्लेट्यूड एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन एंड आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन द कर्व स्टार्ट राइजिंग अगेन, द कर्व ऑफ द डाई कंसंट्रेशन स्टार्ट राइजिंग अगेन। It means the dye has started recirculating in the blood. वो recirculate होना शुरू हो गई और dye concentration वापस बढ़नी शुरू हो गई। So from this place onwards we extrapolate the curve on the timeline. curve को हमने यहाँ पे extrapolate कर लिया और ये करीब 39 seconds के करीब आ रहा है। So dye concentration will come to zero in 39 seconds. So from this curve we calculate the average concentration of the dye जो हमारे calculation में काम आ रहा है। Average concentration of the dye कितने सेकंड में, 39 सेकंड में ये आई यार। कितना इंजेक्ट किया था वो हमें पता है, फार्मूले में फीड करिए कार्डिक आउटपुट आ गया। एंड बाय द कैलकुलेशन वी कैन सी दैट द कार्डिक आउटपुट कम्स टू अबाउट 4.7 लीटर पर मिनट। नाउ इफ द पर्सन इज एक्सरसाइजिंग द सेम कर्व गेट शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये काम जो 39 सेकंड में हो रहा था 9 सेकंड में ही पूरा हो गया और यहाँ से डाई की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई। इससे हम अगर कैलकुलेट करें एवरेज कंसंट्रेशन निकाल करके, देन द आउटपुट कम्स टू अबाउट 22 लीटर पर मिनट। सो एक्सरसाइज हैज एक्चुअली इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। सो दैट इज द डाई डाइल्यूशन मेथड यूजिंग द इवांस ब्लू। द फोर्थ प्रोसीजर
इज द थर्मल डाइल्यूशन मेथड। अब ये डाई भी हमको डालना पड़ेगा, एस्टिमेट भी करना पड़ता है, टीडीएस प्रोसीजर है, करते हैं एनिमल्स में ही है, मगर उसके अलावा ये प्रोसीजर ह्यूमन बीइंग्स में भी काम में ले सकते हैं, लेते थे, अब नहीं लेते यूजली। थर्मल डाइल्यूशन जैसे डाई है वैसे ही हम टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस वी एडवांस ए टू टिप कैथेटर, एक कैथेटर जिसके दो टिप हो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे, ऐसा कैथेटर हम डालेंगे वेन के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर, एडवांस करेंगे राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर आगे एडवांस करेंगे जिससे कि जो डिस्टल टिप है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में कहीं चला जाए और जो प्रॉक्सिमल टिप है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर रहे। तो दो जगह हो गई, राइट वेंट्रिकल में एक टिप मौजूद है और पल्मोनरी आर्टरी में दूसरा टिप मौजूद है, और दोनों जगह उस टिप के साथ में थर्मिस्टर लगे हुए हैं। थर्मिस्टर इज अ डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस वहां लगी हुई होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों चीजें, दो में से कोई चीज काम ले लें, आइदर ए वार्म सलाइन और ए कोल्ड सलाइन, या तो वार्म सलाइन काम में ले लें नॉन टेम्परेचर का, या कोल्ड सलाइन काम में ले लें नॉन टेम्परेचर का। और जब हम उसको इंजेक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल में एक थर्मिस्टर उसका टेम्परेचर नापेगा, और फिर पल्मोनरी आर्टरी में जो थर्मिस्टर है वो अलग से टेम्परेचर नापेगा। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के डिस्टल लाइन में पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर में बदलाव आएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द फ्लो अकरिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पोर्शन। सो दैट इज वे टू डिटरमाइन द जो टेम्परेचर में जो बदलाव आया उससे हम फ्लो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज थर्मल डाइल्यूशन मैथड। इस मैथड का एडवांटेज है कि इस मैथड को आप कितनी बार यूज कर सकते हैं, मरीज को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जबकि डाई अगर आपने मेथड किया है एक बार काम में ले लिया, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट डे का या उससे भी नेक्स्ट डे का। डाई जब तक पूरी सिस्टम से बाहर नहीं निकल जाएगी तब तक आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। बट दिस प्रोसीजर कैन बी रिपीटेडली यूज विदाउट हार्मिंग द पेशेंट, दैट इज थर्मल डाइल्यूशन टेक्निक। ये एक प्रोसीजर है और बेलिस्टो कार्डियोग्राफी। ये एक प्रोसीजर देखने में आया है, आपने कभी देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, हालांकि बहुत मौका नहीं मिलता आजकल। तो अगर कोई झूले पे आदमी बैठा है, लेटा हुआ है, झूला है, स्विंग है, उस पर झूले पे लेटा, तो आप बिल्कुल आदमी सिर लेटा हुआ है, मगर झूले को आप धीरे धीरे हिलता देख सकते, झूला हिलेगा धीरे धीरे। क्यों हिलेगा? हार्ट की एक्टिविटी हो जाती है। हार्ट में क्या एक्टिविटी हो रही है? ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंप्ड इनटू द फर्स्ट असेंडिंग एओर्टा एंड देन इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा। तो पहले ब्लड यूज आ रहा है तो बॉडी को नीचे पुश करेगा, फिर ब्लड यूज आ रहा है तो बॉडी को ऊपर पुश करेगा। तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड दोज मूवमेंट कैन बी रिकॉर्डेड, और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट काम में ले तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके इस मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट फिनोमेना इज नोन एज बेलिस्टो कार्डियोग्राफी, और उससे हम कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। देन दिस इज ऑल्सो लेटेस्ट, ये भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। इम्पीडेंस प्लेथिस्मोग्राफी, प्लेथिस्मोग्राफी इज द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, उसको हम प्लेथिस्मोग्राफी कहते हैं। ये लिम्फ में ब्लड फ्लो निकालने के काम आता है प्रोसीजर। दिस इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बाकी ईसीजी की लीड और प्लेथिस्मोग्राफ लगाते हैं लिम्फ के ऊपर। सो दिस वाज डेवलप्ड, प्रोसीजर वाज डेवलप्ड बाय नासा का फुल फॉर्म पता है? नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, ये अमेरिका की एजेंसी है, ज्यादातर रिसर्च दुनिया भर की वहीं होती है मैक्सिमम। सो दिस प्रोसीजर वाज डेवलप्ड बाय द नासा एंड इंडिया, इट इज मार्केटेड बाय द लार्सन एंड टूब्रो, जो बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में। सो एक्सटर्नली प्लेस इलेक्ट्रोड्स ऑन द चेस्ट, यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है एओर्टा के थ्रू, तो फ्लो की वजह से जो रेजिस्टेंस में बदलाव आते हैं उसको ये मेजर करता है, इम्पीडेंस मेजर करता है, और उस इम्पीडेंस से कार्डियक आउटपुट आपको कैलकुलेट करके दे देता है। वेरी सिंपल प्रोसीजर। सो दैट इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीडेंस प्लेथिस्मोग्राफी फॉर डिटरमाइनिंग द कार्डियक आउटपुट। नहीं, वो कहाँ गया? ये रह गया, ये असली तो रह गया ही।
इकोकार्डियोग्राफी लेटेस्ट प्रोसीजर जो आजकल हम हॉस्पिटल में रूटीनली काम में लेते हैं, बहुत पेशेंट्स का रेगुलर नहीं करते हैं, इको कार्डियोग्राफी। 2D इको का नाम सुना होगा, 2D इको, 3D इको करवाने भेज देते हैं मरीज को, जिसमें चेस्ट पेन हुआ 2D इको करवा ला, वही प्रोब यहाँ चलती है सोनोग्राफी की प्रोब की तरह, और वही इम्पीडेंस मेजर करती है ब्लड फ्लो का। उससे एडवांटेज है कि इसमें वाल्व के मूवमेंट भी दिख जाते हैं आपको, कि चारों वाल्व का मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाल के लीफलेट के मूवमेंट सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉपरली आपकी पैथेवेरी मसल्स काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना आ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इससे सारे डिटरमिन हो जाते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी डिटरमिन्स मोस्ट ऑफ द थिंग, EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दोनों पता है तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम भी पता लग जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन भी पता लग जाएगा, और आपको कार्डियक आउटपुट भी पता लग जाएगा बिना किसी इन्वेजिव टेक्निक के। आपको कहीं इन्वेड नहीं करना बॉडी के अंदर, बाहर से सिर्फ प्रोब में देखते हैं और स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें आपको दिखती रहती है और मेजरमेंट भी आ जाते हैं। तो 2D इको इज द लेटेस्ट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। नाउ कम टू द रेगुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ द कार्डियक आउटपुट इज रेगुलेटेड। नॉर्मल बोला हमने 5 लीटर पर मिनट, एक्सरसाइज के दौरान भी देखा था डिटरमिन करेंगे 22 लीटर पर मिनट, एथलीट में इट में गो अप टू 35 लीटर पर मिनट। सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट, हाउ दीज वेरिएशन आर कॉज्ड अबाउट इन द पर्सन इन द बॉडी, दैट इज द रेगुलेशन इन कंडीशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड और अंडर वेरियस पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। सो देयर आर चार फैक्टर नाम याद रखने होते हैं इसके अंदर, प्रीलोड, चार, देयर आर फोर मेजर फैक्टर्स विच आर विच एंटर इनटू द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट, प्रीलोड, आफ्टरलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट। ठीक है, प्रीलोड, आफ्टरलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट, आउट ऑफ दीज फोर टू आर डिपेंडेंट अपॉन द हार्ट, हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, व्हाइल द प्रीलोड एंड आफ्टरलोड दे आर डिटरमिन्ड बाय द पेरिफेरल वैस्कुलेचर, पेरिफेरल ब्लड वेसल, पेरिफेरल सर्कुलेशन की क्या स्थिति है वो डिटरमिन करेगी कि कार्डियक आउटपुट क्या होना चाहिए। दो कंडीशन हार्ट की है खुद की, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट, व्हिच डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ द ब्लड फाउंड बाय द हार्ट पर मिनट। सो फोर फैक्टर्स टू रिमेंबर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। So, normally, as per the definition, cardiac output is stroke volume into heart rate. So, जो चार फैक्टर हमने बताए उसमें हार्ट रेट फैक्टर अलग हो गया, तो what remains is the stroke volume. So, stroke volume is determined then by three remaining three factors, preload, afterload and the contractility. Okay, then these three factors we'll analyze them in detail one by one, कि ये क्या चीजें हैं और क्या क्या वेरी कर सकती हैं। So, stroke volume, as you can see, determined by three factors, preload, afterload and contractility. And lastly, it is the heart rate. Now, first is the preload. पहला फैक्टर देखा हमने, preload है जो cardiac output को affect करता है। Preload means the amount of load on the ventricles before it starts contracting and ejecting blood into the vascular system. Contraction से पहले जो दबाव है हार्ट के ऊपर जितना काम करना पड़ेगा वो preload कहलाता है। It means preload is determined by the amount of blood returning from the circulation into the right atrium and into the right ventricle. That is the preload. And the same will be applied to the left side also. Pulmonary circulation में कितना blood जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में कितना आ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना जा रहा है। हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे मगर दोनों एक साथ चलते हैं। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें तो हम राइट साइड को रेफर करना है यूजली, जब इजेक्शन की बात करते हैं हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। सो दिस डायग्राम और कर्व और ग्राफ शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम और द फोर्स विच डिटरमाइन्स द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
एज यू कैन सी एज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग देयर इज एन इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम कंटिन्यूअस आफ्टर सम टाइम और एट सर्टन लेवल द स्ट्रोक वॉल्यूम प्लेट्यूज ऑफ एट अ सर्टन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम प्लेट्यूज ऑफ एंड देन इफ फर्दर इज इंक्रीज देयर इज अ फॉल इन द स्ट्रोक वॉल्यूम सो इट डज नॉट गो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली because we know that the end diastolic volume is based upon or its activity is based upon the operation of the Starling's mechanism as the end diastolic volume increases the initial stretch of the right ventricle of the left ventricle wall increases and it goes on increasing the force of contraction because of the application of the Starling's law but if the end diastolic volume goes beyond a certain level then the stretch of the wall will be too much There will be less overlapping of the actin and myosin filament. Cross bridge formation कम हो जाएगा और force of contraction कम हो जाएगा उसके लिए तो अगर stretch बहुत ज्यादा बढ़ती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है तो force of contraction घटा देगा और stroke volume को घटाना शुरू कर देगा So we can say up to or within physiological limit ये शब्द यूज करना होता है within physiological limit increase in the end diastolic volume will always cause increase in the stroke volume. It need not cause increase in the ejection fraction. Mind it, ejection fraction नहीं बढ़ेगा percentage वही रहेगी हम पहले देख चुके हैं percentage of ejection fraction will not increase or will not change because Starling's law is operating. वो कब बदलेगा जब heart की contractility उसके साथ आएगी So when the Starling's law operates, ejection fraction does not operate. 120 cc end-diastolic volume था 70 cc बाहर निकल रहा था इजेक्शन फ्रैक्शन कुछ था 140 cc हो गया 90 cc बढ़ गया परसेंटेज वो ही रही परसेंटेज ऑफ द ब्लड इजेक्टेड रिमेन सेम सो इजेक्शन फ्रैक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द स्टार्लिंग्स लॉ इज ऑपरेटिंग ये आ गया वही है बात आ गई ये हम ऑलरेडी देख चुके इस कर्व को दिस ऑलरेडी वी हैव सीन इफेक्ट ऑफ प्रीलोड अभी जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीलोड की कि अगर हम ये प्रीलोड है आपका फर्स्ट लेवल के ऊपर आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना आ गया ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ठीक है आपने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाया फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर बढ़ गया मगर ये इजेक्शन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अभी भी वही है और बढ़ाने से वही है सो देयर इज नॉट increase in the ejection fraction jitna volume badh raha tha and diastolic volume utna hi aa raha so that is operation of the preload on the ventricular pressure curve and we have seen it was based on the Starling's mechanism and we know that this Starling's law operates normally in either the dilated heart denervated heart or the transplanted heart but in the normal person this operation of the Starling's law is able to maintain the equilibrium state between the out of the right ventricle and output of the left ventricle ye basic purpose hai now this end diastolic volume abhi usi ki baat kar rahe hain preload ki baat kar rahe hain end diastolic volume depends upon the venous return kitna blood aa raha hai sari body se wo aapke end diastolic volume ko determine karta hai so it depends upon the term which is used as a venous return Venous return is again defined in the same way as the cardiac output. It is the amount of blood returning to the heart in 1 minute duration. So under steady state conditions, the amount of the blood ejected by the heart will be same as the amount of blood returning to the heart. दोनों बराबर होने चाहिए वरना कहीं ना कहीं ब्लड रुकना शुरू हो जाएगा So that is the venous return. And this venous return determines A phenomena that is of high clinical importance, central venous pressure. Central venous pressure is the major determinant of the end diastolic volume and the cardiac output also. ये थोड़ा complicated मामला है. Central venous pressure is the pressure हम physiology में जो बताते हैं is the pressure referred at the level of the tricuspid valve. Tricuspid valve right atrium के base पे होता है और वहां से राइट वेंट्रिकल नीचे चला जाता है उस
वाल के ऊपर वहां पे अगर आप प्रेशर गॉज रख के मेजर करेंगे तो जो प्रेशर आएगा वो सेंट्रल वीनस प्रेशर कहलाता है। नॉर्मली हमें सब ये सब डालने की अंदर जरूरत नहीं होती सेंट्रल वीनस प्रेशर नापने के लिए। तो फिर क्या करेंगे, दैट सेंट्रल वीनस प्रेशर और द प्रेशर ऑफ द राइट एट्रियम बिकॉज ऊपर की तरफ वाल नहीं होते तो गेट रिफ्लेक्टेड इन टू दी जुगुलर वेन ऑल्सो। तो फिलिंग जुगुलर वेन्स में ब्लड की कितनी फिलिंग आ रही है उससे हम पता लगा सकते हैं कि राइट एट्रियम में कितना प्रेशर होगा। तो दैट इज अ क्लिनिकल मेजरमेंट ऑफ दिस सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है नॉर्मल। इट वेरीज फ्रॉम 1 to 5 millimeter, 1 to 5 millimeter ऑन द राइट साइड। लेफ्ट एट्रियम में क्योंकि ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन से आ रहा है तो वहाँ देखने के लिए आपको कुछ नहीं है, वहाँ आपको अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। मगर लेफ्ट साइड में प्रेशर थोड़े ज्यादा होते हैं, प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड आर स्लाइटली मोर। एंड दिस प्रेशर विच इज एवरेज इज द मेजर ऑफ प्री लोड ऑन द हार्ट। प्री लोड का मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था ये डिटरमिन करता है। तो एनी कंडीशन विच इंक्रीजेस द सेंट्रल वीनस प्रेशर प्राइमरीली, ये जरूरी जानना, प्राइमरी इंक्रीज इन द सेंट्रल वीनस प्रेशर विल ऑलवेज कॉज इंक्रीज इन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी देयर, इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट विल बी देयर। पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर हम देख चुके हैं, उसको एवरेज निकाला 2 millimeter कम से कम, 13 millimeter हाईएस्ट, एवरेज इज 9 millimeter। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर आता करीब 5 millimeter का, तो राइट एट्रियम से प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज मोर स्लाइटली देन राइट साइड, इट इज अबाउट 5 millimeter ऑफ द मर्करी एंड इट डिटरमाइंस प्री लोड ऑन द लेफ्ट हार्ट। हम ज्यादातर डिस्कशन में प्री लोड में राइट हार्ट की बात करते हैं मगर ये लेफ्ट हार्ट का बात कर रहा है। अब आता है मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ रहा है तो जैसा हमने बताया था क्लिनिकली हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि नॉर्मली ये वेन, मैं बोल रहा हूँ तो लंग्स का यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो वेन ज्यादा भरी हुई दिखती है। नॉर्मली मैं खड़ा हूँ तो यहाँ वेन भरी हुई बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ये एरिया हार्ट के लेवल से ऊपर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नेगेटिव में चला जाता है ऊपर की तरफ से, खाली दिखेंगे आपको बिल्कुल। तो अगर आदमी बैठा हुआ है, लेटा हुआ है तो ये पूरी भरी हुई दिखेंगी ऊपर तक, मगर अगर बैठा हुआ है खड़ा हुआ है तो ये बिल्कुल खाली दिखनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा बैठे हुए में या 45 degree यहाँ पर आड़े हो जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 centimeter ऊपर तक भरी हुई दिखनी चाहिए। द नेक वेन्स शुड शो फिलिंग नॉट ग्रेटर देन 1 centimeter अबव द एक्सटर्नल एंगल और द स्टर्नोक्लेविकल एंगल, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा जा रही है समझा राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके दोनों कारण हो सकते हैं। राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है समझा सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्लिनिकल कंडीशंस में ये कोई अच्छी बात नहीं मानते, इट इज अ डिलीटेरियस साइन, इट इज अ डेंजरस साइन टू अपीयर और टू ऑब्जर्व इंक्रीज इन द सेंट्रल वीनस प्रेशर। क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। दैट वी हैव सीन स्टार्लिंग्स लॉ ऑपरेट, सेंट्रल वीनस प्रेशर मतलब वीनस रिटर्न बढ़ रहा है तो सेंट्रल वीनस प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और आपके राइट वेंट्रिकल के आउटपुट को बढ़ा रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा रहा है ब्लड, लेफ्ट साइड में आएगा और लेफ्ट का आउटपुट बढ़ाएगा, सर कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कार्डिक आउटपुट एंड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और सेंट्रल वीनस प्रेशर। ओके, सेंट्रल वीनस प्रेशर इज इंक्रीजिंग, कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीजिंग एंड देन इज प्लेटू ड्रॉप। अब इसको रिवर्स में देख, कैसे देखेंगे रिवर्स में, सपोज देयर इज अ प्राइमरी इंक्रीज इन द एक्शन ऑफ द हार्ट, आपने सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा दी, हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गया, ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया, आउटपुट बढ़ रहा है, दैट प्राइमरी इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट विल कॉज डिक्रीज इन द सेंट्रल वीनस प्रेशर। इज हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड आएगा कहाँ से, राइट साइड से ही तो आने वाला है वो, तो इधर का प्रेशर घट जाएगा। तो देर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स है, वन आर द पेरिफेरल फैक्टर्स ऑपरेटिंग एंड अदर्स आर द फैक्टर्स विद इन द हार्ट विच आर ऑपरेटिंग एंड गवर्निंग द सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर कैन चेंज इन टू वेज एंड कैन अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट, प्राइमरी इंक्रीज इन द सेंट्रल वीनस प्रेशर विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, प्राइमरी इंक्रीज इन द हार्ट एक्टिविटी विल कॉज डिक्रीज इन द सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेकेंडली इफ द हार्ट एक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, अगर हार्ट लगातार
एक्टिविटी कम होती चली जा रही है, हार्ट फेल हो रहा है, तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट तो घटता चला जा रहा है और सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है. तो दैट इज अ ग्रेव साइन ऑफ डिक्रीज इन द कार्डिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज इन द सेंट्रल वीनस प्रेशर. इन दैट कंडीशन द सेंट्रल वीनस प्रेशर गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द लेवल और डिग्री ऑफ द कार्डिक फेलियर. दोनों चीजें आ गई, पेरिफेरल फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल फैक्टर एक्ट कर रहे हैं और वो सेंट्रल वीनस प्रेशर को अफेक्ट. उसी कंटेक्स्ट में हम आते हैं, एक टर्म आई है मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर. व्हाट इज दिस प्रेशर? नॉर्मली हम देखें एओर्टा में जो ब्लड है वहां पे प्रेशर है 120 मिलीमीटर का मैक्सिमम, या एवरेज प्रेशर मान लें 100 मिलीमीटर मरकरी का. इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द वैस्कुलर सिस्टम, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूज, वेन्स एंड देन द राइट एट्रियम. प्रेशर इज जीरो एट द राइट एट्रियम लेवल. सो देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट इन द होल सिस्टम मेंटेन्ड बाय पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. द हार्ट ग्रेजुअली फेल्स, देन दैट प्रेशर ग्रेडियंट डिसिपेट्स ग्रेजुअली. और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में हम देखें देखा हुआ है अगर हार्ट को बंद कर दिया जाए देन द प्रेशर इन होल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम विल कम टू अ सिंगल वैल्यू. सारे एक ही वैल्यू पे आ जाएंगे सब जगह प्रेशर. कैपिलरीज में भी वही होगा, आर्टरीज में भी वही होगा, एवोर्टा में भी वही होगा, वेन्स में भी वही होगा, बिना केवल में वही होगा. सच ए प्रेशर प्रेजेंट थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑल वेसल्स एट द सेम टाइम व्हेन द हार्ट स्टॉप्स इज द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर 7 मिलीमीटर से मरकरी. मतलब हार्ट को अगर बंद कर दिया जाए तो जो प्रेशर आएगा वो 7 मिलीमीटर का होगा और कार्डिक आउटपुट जीरो होगा. तो एट 7 मिलीमीटर ऑफ द प्रेशर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज देयर मीन फिलिंग प्रेशर अगर ये है तो कार्डिक आउटपुट जीरो हो जाएगा. तो व्हाट डिटरमाइंस दिस प्रेशर? द मेन फैक्टर विच डिटरमाइंस द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन टू द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स में वॉल्यूम कितना है वो आपका कुल मिला के इस प्रेशर को डिटरमिन करता है. अगर ज्यादा वॉल्यूम है तो ये प्रेशर ज्यादा आएगा, कम वॉल्यूम है तो प्रेशर कम आएगा. सो दैट व्हाट आई सेड, डिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर ऑन द कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर घटेगा. कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर घटेगा. ठीक है, और वो घट रहा है तो वो बढ़ जाएगा. जबकि प्राइमरी अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा, वो उल्टा चलेगा. तो दो तरह के कर्व हो जाते हैं इसमें. ये कर्व मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. टू कर्व्स आर देयर, वन इज द कार्डियक फंक्शन. ये इधर तो सेंट्रल वीनस प्रेशर है, ऑन द लोअर हॉरिजॉन्टल साइड सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड ऑन दिस साइड कार्डिक आउटपुट. ठीक है, अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर यहां से शुरू करें, ये देखिए एक कर्व आ रहा है, ये तो कार्डिक आउटपुट का कर्व है सेंट्रल वीनस प्रेशर. And this is another curve. These two curves denote two different properties as I said. One is the properties of the heart itself and second is the properties of the peripheral vascular. अभी हम उसी की बात कर रहे हैं. पहला फैक्टर ही चल रहा है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. प्री लोड की बात कर रहे हैं. So what factors determine the preload over the heart? Venous return को कौन डिटरमिन कर रहा है? Venous return is the preload basically. There are these factors are major factors which determine the preload on the heart and thus will affect the stroke volume and the cardiac output. Pehla hai blood volume. Blood volume ka effect humne dekha hai. Whatever factor, whatever conditions increases the volume of blood either in the circulatory system as a whole or when it is going to the right atrium, then it will be considered as increasing the and that diastolic volume and heart output will or cardiac output will increase. Respiratory pump, जब हम सांस लेते हैं तो cardiac venous return बढ़ जाता है. तुम पीछे की लाइन में जितने भी बैठे हो ना खड़े हो जाओ, क्या अपने आप खड़ा हो रहा है, खड़े हो जाओ, तुम आ जाओ, सारी लाइन बाहर आ जाओ. निकलो बाहर, बैठ जाए यार, निकलो निकलो बाहर, बाहर जा,
चलो वहां खड़े होकर बात करो, आ जाओ। और एक कागज पे अपना रोल नंबर लिख दो। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वीनस रिटर्न रेस्पिरेटरी पंप, वी नो दैट व्हेन पर्सन टेक इंस्पिरेशन द इंट्रा थोरेसिक प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव, इज इट? व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंट्रा थोरेसिक प्रेशर नॉर्मली? रेस्पिरेशन पढ़ाना शुरू कर दिया ना, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया ना। व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ द इंट्रा थोरेसिक प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर? एक ही चीज, हम एक ही चीज मान के चलते। इंट्रा प्लूरल प्रेशर का रेंज क्या है नॉर्मल? ये नेगेटिव में होता है या पॉजिटिव में होता है? नेगेटिव में होता है। इट रेंजेस फ्रॉम -2 to -6 mm ऑफ द मर्करी, सो इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। एंड ऑफ द एक्सपिरेशन माइनस, एंड ऑफ द इंस्पिरेशन -6, रेंज चलता है यार। तो जब इंस्पिरेशन लेते हैं तो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। थोरेसिक कैविटी में प्रेशर नेगेटिव हुआ, इसका मतलब इट विल हैव अ सक्शन इफेक्ट फ्रॉम द पेरिफेरी। ये पेरिफेरी जब ब्लड को सक करेगा थोरेसिक केज के अंदर, और हार्ट आपका थोरेसिक केज में ही मौजूद है, ठीक है? तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इनपुट टू द थोरेसिक केज इंक्रीजेस, वीनस रिटर्न इंक्रीजेस, एंड दैट विल कॉज इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। बट दैट इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट विल अकर आफ्टर 1 or 2 beats, बिकॉज व्हेन द इंस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस देन मोर ब्लड इज कमिंग टू द राइट साइड, राइट साइड में आ रहा है ब्लड, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल के अंदर। और ये जब निकल करके पल्मोनरी वास्कुलर के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तब जाकर के ये बाहर निकलेगा, आई बात समझ? मगर निकलेगा तो सही। तो इंस्पिरेशन कॉजेज इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, बट एट लेटर स्टेज। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। और अगर आप एक्सप्रेशन करते हैं डीप, तो आपके इनपुट को घटा देगा और कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। इसलिए ओल्डर पर्सन को जो हार्ट के मरीज होते हैं, उनसे कहते हैं आप सुबह शाम जब टॉयलेट जाते हैं तो ज्यादा जोर ना लगाएं, सर्दी नहीं होनी चाहिए। हंसने की बात नहीं है, मरीज की जान निकल जाती है आप नहीं बताएंगे। तो इफ द पर्सन फोर्सेस टू मच, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है पॉजिटिव में चला जाएगा, जो आप फोर्स करते हैं ना, इसको वाल्वोलर मैनूवर कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो व्हेन यू क्रिएट पॉजिटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, तो ब्लड वेसल्स कंप्रेस होती है, वीनस रिटर्न घट जाता है, कार्डियक आउटपुट घट जाता है, ब्रेन का फ्लो घट जाएगा, पर्सन विल बिकम अनकॉन्शियस, और देर में अटैक ऑफ द कोरोनरी एंजाइम, ना एंजाइना का अटैक आ सकता है, तो इसको रोकना जरूरी है। इसलिए हम बुजुर्गों से कहते हैं भाई कब्जे नहीं होनी चाहिए, यह आप ध्यान रखना चाहिए, वरना हार्ट से प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द इंट्राथोरेसिक प्रेशर ऑन द कार्डियक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न। एंड थर्ड इज द मसल पंप। मसल्स के बीच में सारी वेन्स होती है नीचे बॉडी के अंदर, तो मसल जब भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेन्स आर कंप्रेस। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी द वेन्स कंटेन वन साइड वैल्व सिस्टम। वेन्स में वैल्व होते हैं नीचे में, ऊपर वाली में नहीं होते, नीचे वाली में होते हैं। तो मसल्स एक्ट करते हैं तो ब्लड पंप होता है ऊपर की तरफ ही जाएगा, सेंट्रल सर्कुलेशन की तरफ, नीचे वापस नहीं जा सकता। तो मस्कुलर एक्टिविटी अगेन इंक्रीजेस द वीनस रिटर्न एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। देन वीनस प्रेशर। वेन्स में अगर प्रेशर बढ़ता है, दो तरह की बात आ गई। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, एक्टिविटी नहीं कर रहा, वेन्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, मगर ये वीनस रिटर्न नहीं बढ़ा रहा, ये नहीं बढ़ा रहा क्योंकि मसल की एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना? मगर अगर सिंपैथेटिक ड्राइव शुरू होता है, इफ देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व, देन वीनो कंस्ट्रिक्शन टेक्स प्लेस। वेन्स कंस्ट्रिक्ट होती है और वीनस प्रेशर बढ़ता है और ब्लड को सेंट्रल सर्कुलेशन की तरफ भेजता है। तो वीनस प्रेशर इंक्रीजेस वीनस रिटर्न। वीनो मोटर टोन वो सिंपैथेटिक से रिलेटेड है। देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वैस्कुलर ब्लड वेसल्स टू द फ्लोइंग ब्लड। ब्लड जो फ्लो हो रहा है वेसल्स के अंदर, उनको रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसको हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। आर्टरीज में भी होता है, वेन्स में भी होता है। तो व्हेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, आगे बात करेंगे इसकी डिटेल, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर घटता है तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा। तो एनी फैक्टर डिक्रीजिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल कॉज इंक्रीज इन द वीनस रिटर्न,
increase in the stroke volume and cardiac volume. Increase in the peripheral resistance as occurs after sympathetic stimulation will cause decrease in the blood flow, decrease in the venous return, and decrease in the stroke volume and cardiac output. Then gravity and cardiac output are there. इसके हम बाद में बात करेंगे.